नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को संकेत दिया है कि पार्टी फंड्स की दिक्कतों का सामना कर रही है और ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन बैंक खातों में लोगों द्वारा दान किया गया पैसा रखा गया था उन्हें एनडीए सरकार ने फ्रीज कर दिया है, जबकि पार्टी पर आयकर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाया गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों से एक साथ मजबूती से खड़े होने और आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया। इस बात पर जोर देते हुए कि चुनावों में सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बैंक खातों को फ्रीज करने और आयकर विभाग द्वारा भारी जुर्माना लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए हजारों करोड़ों रुपए का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा है जो आप लोगों ने दान के जरिए दिया है, लेकिन फ्रीज होने के कारण हम इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वही जो बीजेपी चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुए पैसों का खुलासा नहीं कर रही है उसमें गलत काम सामने आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने जुलाई तक का वक्त मांगा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप सिंह जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। विजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खातों को फ्रीज कर दिया, हमारे पास अब पैसे नहीं है तो कैसे चुनाव लड़िएगा? हमको धर्म की स्थिति में तो है नहीं कि हमें लगता नहीं, ये हकीकत है। मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाह का धारण किए हुए है और हम तो ये कहते हैं माननीय मोदी जी, अगर आप इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलने ही नहीं देना चाहते, विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, जैसा आपका खुद का ध्येय है कांग्रेस मुक्त भारत, आप कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं और फिर तमाम तरह के एजेंडे आप अपनाते हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, फ्रिज खराने का मामला हो, चाहे हमारी पार्टी के जो इनकम टैक्स की रेट बढ़वाना हो, तमाम तरह के मामले जो है वे साबित करते हैं कि आप लोकतंत्र नहीं चाहते। तो बेहतर ये है खुद तानाशाह घोषित कर दीजिए, कम से कम जो चुनाव में हजारों करोड़ रुपए देश का खर्चा हो रहा है वो तो बचेगा, क्योंकि अभी भी पेगासस के जरिए आप लोगों की जासूसी करा रहे हैं, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। इसी तरीके से आप इजराइल की तकनीकों का उपयोग करके विरोधियों को मिटाने की साजिश रच रहे हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हैं खातों को फ्रीज किसने किया है बताइए ना, बीजेपी ने किया, क्या एजेंसीज ने किया, किसने किया? तो सुनिए ना जी, ऐसा है आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहूंगा। अजीत पवार हजारों करोड़ के घोटाले में फंसे हुए थे, बीजेपी कहती थी कि वो जेल जाएंगे और जेल जाएंगे। आज वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे महाराष्ट्र में। अशोक चव्हाण जिनके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि अशोक चव्हाण जेल भेजे जाएंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया है, आज वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। आज आए और अंत में ही उनको बताइए ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो खाते से पैसे नहीं निकाल पा रहे, जनता के जरिए दिया हुआ ये पैसा था, एनडीए सरकार ने फ्रीज कर दिया, तो एनडीए सरकार ने कैसे कर दिया सर? ये तो तमाम एजेंसीज ने किया होगा। अरे मैडम, ये जितने भी अफसर हैं ये सब कठपुतली है, इस देश में कहने को लोकतंत्र है लेकिन आज भी जितनी अफसरशाही है उसकी डोरियां राजनेताओं के हाथ में है, उनकी कोई औकात नहीं है, संघ अफसर इस देश में होते हैं। इसके खिलाफ आप गए नहीं क्या, कोर्ट ने कहा इसके खिलाफ कि देखिए हमारे तो तमाम खातों को फ्रीज कर दिया, कैसे हम चुनाव लड़े, कैसे चुनाव में जाएं? मैं कोर्टों की क्या बात करूं, जिस देश की कोर्टों में करोड़ों मुकदमे लंबे खड़े हो, जो 10-20 साल से 30-30 साल से लोग बेचारे न्याय के इंतजार में भगवान के पास पहुंच गए, फिर भी उन्हें यहाँ भारत की कोर्टों से न्याय नहीं मिला, तो मैं कोर्ट की बात क्या करूँ, किसी मामले में तुरंत न्याय मिल जाता है? आप जाते नहीं क्या बाकी मसलों पर जब आपका विरोध होता है तो कोर्ट नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं ना मैडम। आप क्या चाहती है, आप ये बताइए, मेरे चाहने से क्या होगा? विजय जी मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, आप जवाब दे दीजिए बस।
सुन तो लीजिए, मेरे कहने का भाव ये है कि कोर्टों की अपनी मजबूरियां हैं, उनके ऊपर मुकदमों का बोझ है, कई बार जल्दी सुनवाई हो जाती है। आप कोर्ट गए या नहीं गए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। सुनिए ना, सुनिए, हम प्रत्येक लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक, संसद तक, हर जगह हम इस बात को। हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है ना, जब पैसा ही नहीं है आपके पास तो क्या लड़ाई लड़ेंगे। मैडम सुनिए ना, भीख मांगने लगेंगे कांग्रेस के लोग, झोली फैलाकर जनता के पीछे भीख मांगने लगेंगे। कब से कर रहे हैं सर ये काम? हम मोदी से शुरुआत करते रहेंगे, कब से इसकी शुरुआत? आप चाहे मैं आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ कि भी आप देश के लिए कांग्रेस को दान दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद आप देंगी, क्योंकि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे पढ़ा पा रहे हैं, कैसे कैसे राशन का खर्चा चला पा रहे हैं। आज देश का हालात तो देखिए, अंदरूनी हालात कुछ और है, मोदी जी कुछ और बताते हैं। ठीक है, मोदी जी ने अंग्रेजों की तरह, ठीक है प्रदीप जी, क्या ये हालात कर दिया है कांग्रेस पार्टी के कि अब वो भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं? कह रहे तमाम जो एजेंसीज हैं वो तो एनडीए सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, और अब तो हमारे हालात वो हो गए हैं कि खजाना खाली है, जो खजाने में है वो निकाल नहीं पा रहे हैं, हालात भीख मांगने के हो गए हैं। नेहा जी, 55 वर्षों तक स्वच्छ लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का शासन रहा है, अगर इसके बाद भी इस प्रकार की लोग बातें करते हैं, ये लोग इतने संगठित नहीं हो पाए, अपने संगठन को मजबूत नहीं बना पाए, या उसकी आर्थिक व्यवस्था नहीं कर पाए, या इनका इतना गुडविल नहीं रहा क्षेत्र में, समाज में, कि कोई इन्हें दान अनुदान दे सके, तो इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? और जहां तक रही सरकारी संस्थाओं की बात, तो सरकारी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के दायरे में रह करके काम करती हैं, और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी ज्ञात अज्ञात कारण से अगर संविधान के दायरे में रहते हुए भी कोई गलत काम कर लेता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहती हैं, उसका वो प्रयोग करके, अपने अधिकार का प्रयोग करके वो जा सकता है। न्यायपालिका इसीलिए इस पूरे ढांचे में है जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट के पास अगर हम जाएंगे तो इतने मामले लंबित है, कहां तक हम जाएं कोर्ट के पास? हम तो अब जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से ही बोलेंगे कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तौर से जनता के पास जाएं, लेकिन ये 55 वर्षों तक जो न्याय व्यवस्था रही, आप संविधान में, आप संसद में थे, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको बहुमत था, आपने न्यायपालिका की उन त्रुटियों को क्यों नहीं सुधारा, जिनके कारण आज आपको कहना पड़ रहा है कि हमें तो बड़ा लंबा झेलना पड़ेगा? आखिर देश की आजादी के बाद तक 55 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, इनको अगर शुरू के 10 वर्षों में लग गया कि नहीं न्याय प्रणाली में सुधार होना चाहिए, जिससे कि त्वरित न्याय प्रक्रिया हो, तो इनको करना चाहिए था उस प्रकार के मतलब न्याय बनाने से, संविधान के को बदलाव करने से किसने रोका था? आपके पास तो पूरा बहुमत था। कौशिक जी, क्या चुनाव से पहले ये बात कह के मल्लिकार्जुन सिंपथी गेन करना चाहते हैं कि जनता की संवेदनाएं लेना चाहते हैं कि देखिए आप तो आप जो हमारे पास खजाना है वो भी खाली हो गया है, जो था उसको भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, पैसा तो है नहीं हमारे पास जनता के, अब बस बीच जाना है और वोट मांगने हैं बिना पैसे के, कैसे चुनाव लड़िएगा? देखिए, मैं आपसे सब एक चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से लेना देना है उनकी कुर्सी कैसे सुरक्षित रहे, इस देश की जनता को कैसे कंट्रोल में रखे। आज देश का मैक्सिमम पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में आ चुका है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है, लेकिन मोदी जी ने उनको वर्गीकृत कर दिया है कि अच्छा ये तो राम मंदिर के नाम से खुश है, एक वर्ग को राम मंदिर का झुंझुना दे दिया, एक वर्ग को 5 किलो गेहूं का लालच दे दिया कि तुम 5 किलो गेहूं मिलता रहेगा, इसी तरीके से किसी को 100 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी सिलेंडर पर, 200 की मिलती रहेगी, 300 की मिलती रहेगी, किसी को दबाकर, किसी को धमकाकर। तो मोदी जी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, देश के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि देश के ऊपर 155 लाख, देश के लिए खतरनाक है या नहीं है? लेकिन ये तो 2024 तक की बात कर रहे हैं, ये कह रहे 2024 नहीं 2047 तक की हम रूपरेखा यहाँ पे तय कर रहे हैं। देखिए, माननीय मोदी जी को मालूम है कि अगर 2024 का चुनाव वो हारते हैं, उनके जितनी भी काले कारनामे हैं, जितना भी भ्रष्टाचार है, जितनी भी लूट है, वो बेनकाब हो जाएगी और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, और उसके लिए चाहे दूसरे दलों से आए हुए लोगों को टिकट देनी पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, भाजपा वो कर रही है। हमारे कांग्रेस के पुराने साथी को जो अभी 2 हफ्ते पहले बीजेपी में शामिल हुए थे,
उनको बीजेपी ने लोकसभा की टिकट दे दी है। तो देश भर में इनका ये हाल है। इसका कारण क्या है? आरबीआई के रिजर्व फंड से दो बार पैसा निकाल चुके, देश के ऊपर विदेशी कर्ज बढ़कर 150 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो की और बढ़ चुका है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर घोटाला किया है लाखों करोड़ का, पीएम केयर्स में घोटाला किया है लाखों करोड़ का, नमामि गंगे परियोजना में तो घोटाला किया है लाखों करोड़ का। मैं तो देश की जनता से केवल इतना आग्रह करूंगा कि अब मोदी जी स्तर पर उतर आए हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि उनके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़े, इसलिए हमारे अकाउंटों को सीज करवा दिया है, हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मोदी जी चार पार कहना चाहते हैं और खुद ये भी कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष देश में होना चाहिए, तो मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर होली फैलाकर भीख मांगता हूँ कि 400 सीट का दावा बीजेपी कर रही है और उनसे 150 सीटें कांग्रेस को आप हर हाल में जिताए। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, देखिए यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष को खत्म करने की चाल मोदी सरकार की है। वाकई चाहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाए, यही एक है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। एक तरफ कहते हैं मजबूत होना चाहिए विपक्ष, दूसरी तरफ मजबूत रहने नहीं देते। क्या केवल कांग्रेस इकलौती राजनीतिक दल है क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में? इतना ज्यादा भाव किस बात का? विपक्ष तो रहे, परेशान तो सर सभी है ना, परेशान तो सभी है ना प्रदीप जी। किस कौन परेशान है, कौन नहीं है बताइए ना। परेशान है विपक्ष की एक एक पार्टी बता दीजिए जो परेशान ना हो, जो ये आरोप आप लोगों पे ना लगाती हो कि देखिए सरकारी एजेंसी का मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं आप लोग। अगर इस तरह से सारे एक साथ मिलकर रोने लगे तो उस पर क्या मान लिया जाएगा? क्या व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है। अनर्गल ये राहुल जी की तरफ से बैठ के आरोप लगाने लगे तो क्या जनता उसको सच मान लेगी? क्या बातों में तर्क होना चाहिए ना। जनता सच मानेगी या नहीं मानेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक पार्टी झूठ बोल रही होगी, दो झूठ बोल रही होगी, सभी अगर ये कह रही है कि देखिए सरकारी मशीनरी का एनडीए गलत इस्तेमाल कर रही है, तो सभी झूठ कह रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, 5 वर्षों तक हमने गलत इस्तेमाल किया, 14 से लेकर 19 तक, 19 के बाद फिर हमें जनता ने अपना बहुमत दिया, अपना हमें अगले आगे बहुमत हमें जिताया, सदन में हम आए। तो क्या जनता मूर्ख थी जो 5 वर्षों तक उसको नहीं समझ रहा है कि हमने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है? अरे इनके कर्म है पुराने, वो कहाँ जाएंगे? और इनको थोड़ा प्रतिशत पता होना चाहिए। ईडी में केवल 1% से कम केसेस है जो राजनीतिक लोगों के ऊपर है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो किसी भी दल का हो। अब इन्होंने एक बात, 100 लोग मिल करके एक झूठ को बोलने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो जाएगा। ठीक है, निश्चित तौर पे। ठीक है कौशिक जी, ये कह रहे हैं आपके कर्म है, कर्मों की सजा आप भुगत रहे हैं, और दूसरी बार 55 साल तक जो देश में शासन किया, कह रहे इतना काला धन जो है छुपा के रखा हुआ है वो कहाँ गए सब? मैं इस व्यवस्था के ऊपर उगना चाहता हूँ जिसके बगल में छुरी और मुंह में रामराम है। मुझे बताइए, मोदी जी ने वादा किया था कि विदेशों में काला धन लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं जो नोटबंदी कर रहा हूँ उससे देश के अंदर काला धन समाप्त हो जाएगा। भाई मोदी जी ने नोटबंदी भी कर दी और मोदी जी के मुताबिक देश के अंदर काला धन भी खत्म हो गया, तो फिर कांग्रेस के ऊपर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि हमारे पास काला धन है? दूसरी बात, मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं वो चाहे कुछ भी करें उनको हर तरह की छूट है, देश के सरकारी बैंकों का पैसा किस तरह से पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है, जो बैंकों का जो आपस में मर्ज किया था केंद्र सरकार ने, किस लिए किया था कि चार बैंक घाटे में थे, चार फायदे में थे, चार बैंक मैनेजर घाटे में इसलिए थे क्योंकि मोदी सरकार ने उनको अपने पूंजीपति मित्रों से रुचवा दिया था, उनका घाटा खत्म करने के लिए उन सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया ताकि देश की जनता। नहीं अब ये बताइए अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा? अब तो आप कह रहे हैं कि देखिए हम तो बिल्कुल पूरी तरह से कंगाल हो गए, खजाना हमारा जो है निकल नहीं पा रहा। हमारा फर्ज है कि हम संघर्ष करते रहें और संघर्ष के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आप दूसरी की बात बताऊं, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी हाईकमान की कुछ नीतियों में कमी है। नहीं तो पैसा राजनीति के लिए जरूरी नहीं है किसी पार्टी के लिए। जब यह देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस के पास क्या था या उस राज जो उनके विरोध में दल थे उनके पास क्या था? लेकिन एक सुचिता थी, एक ईमानदारी थी, उसी ईमानदारी के चलते चाहे मिसाइल कार्यक्रम हो चाहे परमाणु कार्यक्रम हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक, अब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अब ये कह के मल्लिकार्जुन खड़गे क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारा खजाना खाली है, हम जो पैसा है वो नहीं निकाल पा रहे हैं और एनडीए सरकार जो है हम पे
अन्याय कर रही है हम पर और अत्याचार कर रही है, खजाना जो है वो फ्रीज कर रखा है, हमारे बैंक खाते सारे फ्रीज कर दिए, क्या संदेश देने की जनता को कोशिश की जा रही है? वो संदेश नहीं दे रहे दरअसल कोई, वो अच्छा। अपना दर्द देश की जनता के सामने रख रहे हैं। क्योंकि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे दिन नहीं देखे होंगे कि जब अपनी विरोधी पार्टी को कुचलने के लिए कोई सत्ताधारी दल इस स्तर तक गिर जाए। ये भाजपा के गिरने की पराकाष्ठा है। इससे तो मोदी जी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी में राहुल गांधी जी में गोली मारवा देना तो भी सही है। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोलियों से घूम दो अगर आपको विपक्ष नहीं चाहिए, बात ही खत्म है। ये कौन सा तरीका? और रही बात देखो लोकतंत्र में कोई कांग्रेस पार्टी भागने वाली तो है नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो भाई जो इनकम टैक्स विभाग है या सरकार है वो चुनाव बाद के लिए काम ले प्रोग्राम को, चुनाव के बाद हिसाब ले लेना। इन अकाउंट फ्रीज करके चुनाव में समय ले क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? वो केवल एक ही चीज साबित करना चाहती है मोदी जी के ठीक है और उनके ठीक है। देखिए प्रदीप जी, ये यहाँ तो सीधे ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसबीआई के जरिए 3 महीने का वक्त जो मांगा गया है वो दरअसल चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि 3 महीने का वक्त मिले, लोकसभा चुनाव में निपट जाए और उसके बाद जो इनकी चीजें निकल के सामने आएगी फिर 5 साल का एक लंबा वक्त, फिर ठंडे बस्ते में चले जाएगा जो भी मामला निकलेगा। तो क्या ये कोशिशें आप लोगों की तरफ से, चुनावी बॉन्ड जो है कौन लेके आया था सर, किसकी सरकार में लाया गया था ये भी आपको पता ही है प्रदीप जी? देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। देखिए अब देखिए कांग्रेस जो आरोप लगाती है हमसे ज्यादा समय तक इन्होंने शासन किया है, आखिर इनको जब पता था कि भविष्य में सरकारें संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लेंगी तो इन्होंने क्यों उसको सुरक्षित नहीं किया? एक ही सीधी सी लॉजिक है ना। सबसे ज्यादा आप अनुभवी है शासन करने में इस देश पे, आपने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया तो क्या आपको संविधान की वो खामियां नहीं पता थी जिसमें कि आने वाली सरकारें आपके अगेंस्ट उसको दुरुपयोग कर लेंगी? जब बगैर लॉजिक की ये लोग बात करते हैं कांग्रेस वाले तो समझ नहीं आती बात। और देखिए अंतर बाकी छोड़िए, आरोप लगाने से काम नहीं होगा। अल्टीमेटली लोकतंत्र में मताधिकार होते हैं हर देश के देशवासियों के और देशवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। सीधे सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने गलत किया है तो जनता उसको समझेगी और जनता अपना मत देगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ऐसे लॉजिक लेकर के आते जिससे कि जनता आपके बातों को समझ सके, कन्विंस हो सके? दो आम चुनाव बीत गए और किसी में भी 50 से ऊपर आपकी सीटें नहीं आई। आप अपने पुराने ऐतिहासिक चुर्रे में रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। वो निश्चित है कि खंडहर देख करके आपके वर्तमान का पता लगता है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में जनता की भलाई के लिए सरकारें बनती हैं और जो भी राजनीतिक दल कन्विंस कर पाता है कि हम जनता का विकास अच्छा करेंगे, समाज में सुरक्षा देंगे, वेलफेयर स्टेट का काम करेंगे, जनता उसको मत देती है। और इस तरह से ब्राइबिंग करना, ये कांग्रेस को देखिए जिस राहुल गांधी जी बोल रहे हैं या कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है उनको समझना चाहिए बिना सिर पैर की लॉजिक कहाँ दी जाती है। ठीक है कौशिक जी, देखिए खजाना तो खाली, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब ये जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी की वजह से ये किसकी ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे पूरा? क्या ये कह देंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से ऐसा हुआ तो एक अलग चीज है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब पार्टी को चलाना भी कितनी बड़ी चुनौती है, इन दोनों का जवाब दीजिए सर। जिम्मेदारी लोकतंत्र में सरकार की बनती है कि वो गलत काम ना करे, गलत काम नहीं करेगी तो समझ क्या है? आप देखे ना कांग्रेस सरकार के समय में अगर बिहारी जी बीमार पड़े और उनका इलाज कराना पड़ा तो कांग्रेस सरकार ने कराया ना? कहीं उनको सरकार की तरफ से भेजने की बात आई कि वो विदेश में जाकर भारत का पक्ष रखे तो एक विपक्षी होने के तौर पर उन्हें मौका दिया गया ना? क्यों कहते थे कि इंदिरा जी को दुर्गा कहा उन्होंने इसलिए कहा? बहरहाल कहने का भाव ये है कि जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जो मुखिया है वो निरंकुश हो जाए तो देखिए वो सब फिर भगवान के हाथ में है कि कब उनका प्रदर्शन चक्र चलेगा और कब इन राक्षसों की गर्दनें कटेंगी। अब तो केवल वक्त का इंतजार है, जनता के हाथ में सब कुछ है कि वो 5 किलो गेहूं पर बिकते हैं या उनका ईमान कोई धोखा देकर नहीं। जनता के हाथ ही सब कुछ है और जाहिर तौर पे जब जनता जवाब देगी तो सभी के सामने आ जाएगा कि क्या उसका जवाब है। हालांकि अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि 2014 में भी जवाब दिया था, 2019 में भी और 2024 में भी जवाब देगी, लेकिन
जवाब तो उससे पहले भी मिल चुका है, वो किसको मिला, कैसे मिला, वो भी समझने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।